कितनी एडजस्टमेंट्स कराई थी हमने? इनकम ट्रीटमेंट हुई थी खाली। एडजस्टमेंट नंबर 2 डालिएगा, एक्सपेंस ट्रीटमेंट। पहले रूल देखिए, एक्सपेंस ट्रीटमेंट में भी सेम रूल है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। बताओ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से साल का होगा? बताओ पिछले साल का। क्या करेंगे बताना? माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। बताओ इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से साल का? इसी साल का। क्या करेंगे बताना? प्लस। अब एक्सपेंस में पता है क्या होता है? वहां होता था एडवांस, यहां होता है प्रीपेड। बताना प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल प्रीपे किया था। खर्चा कौन से साल का? इस साल का। एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर प्लस। बताना प्रीपेड ऑफ करेंट ईयर, इस साल का प्रीपेड। एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्या करूंगा बताना? माइनस। रूल देखो ऑलमोस्ट सेम है सारे रूल, इनकम ट्रीटमेंट एक्सपेंस ट्रीटमेंट के रूल बिल्कुल सेम है। पोस्टिंग में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है ध्यान से देखना, वहां पे आउटस्टैंडिंग इनकम होती थी एसेट, यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा बताना? लायबिलिटी। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा बताइए? एसेट। मतलब फर्क सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में पड़ेगा। जी जी बताना कितने कर रहे थे? आइए फिर आगे चलो। जी जी नंबर 5। देखिए फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आरकेजी क्लब एज ऑन 31st March 2019। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट में देखिए बाय सैलरीज 80,000, बस नीचे एडजस्टमेंट पर्टिकुलर 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19 पर्टिकुलर देखिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 12,000, प्रीपेड 5,001। सेम ट्रीटमेंट है जैसे इनकम की होती थी, सिर्फ फर्क है पोस्ट। चले लेटा दो, हटा दो, अब तो हटा दो। आए मेरे साथ बनाना इनकम एक्सपेंडिचर
और दो बैलेंस शीट्स। पहली बैलेंस शीट 31 मार्च 19, एक और बैलेंस शीट बनाना 31 मार्च 18। जल्दी फॉर्मूला बनाइए। चले अच्छा ये बताइए, ये वाला काम कहाँ होगा, इनकम में एक्सपेंस में? बताना टू सैलरी पेमेंट से देख के बता कितनी है अंदर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बताओ, खर्चा कौन से साल का? माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, बताना कितना प्रीवियस ईयर का? 8000। सामने देखिए प्रीवियस ईयर का तो बताओ बैलेंस शीट कौन सी, ऊपर वाली या नीचे वाली? लेकिन कहां पे जाएगा, एसेट या लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में। आगे चलिए, इस साल का आउटस्टैंडिंग बताना, इस साल का आउटस्टैंडिंग खर्चा, इस साल का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना? 12000। करंट ईयर है तो बताओ बैलेंस शीट कौन सी वाली और लायबिलिटी में। चलो प्रीपेड भी दे रखे हैं, पिछले साल का प्रीपेड बताओ खर्चा कौन से साल का, इस साल का प्रीपेड प्रीवियस ईयर कितना? प्रीवियस ईयर तो बैलेंस शीट नीचे वाली, और प्रीपेड कहां जाएगा? एसेट में। प्रीपेड सैलरी, चलिए इस साल का प्रीपेड बताइए खर्चा अगले साल का, माइनस प्रीपेड करंट ईयर कितना? करंट ईयर है तो बताओ बैलेंस शीट कौन सी वाली, ऊपर वाली, प्रीपेड सैलरी के नाम से 1000। मेरे चेहरे से भी लग रहा है, मैं तो चेहरा सूझा पर मेरा बोला क्या बात कर रहा है, दाढ़ी है ना दिखने का। नहीं आप बनाना था यार, बैक कर दी यार, तब भी ठीक पूरी रात नहीं सोया हुआ आंखें सूझने में। ये डालो अच्छा, गुस्सा नहीं आराम से हटा, अगर तब भी ठीक नहीं मेरे पे चिल्ला रहा था। आप लोग डालिए एडजस्टमेंट नंबर 3, जल्दी करो मैडम। लास्ट लास्ट के नोट्स कौन लेके गया, तेरे को मना किया था ना मैंने, नोट्स मत लेके जाइए, मना किया था मैंने एनपीओ के नोट्स। आज न्यू नोट कर रहा है नहीं कर रहा? एडजस्टमेंट नंबर 3 हटा लूं आप, आई एडजस्टमेंट नंबर 3 का नाम है, ध्यान से सुनना, कंजम्पशन ट्रीटमेंट। अब सुनिए कंजम्पशन मतलब क्या, ध्यान से देखना, कंजम्पशन आपके लिए एक एक्सपेंस है। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं कभी खर्चा नहीं होता, खर्चा कब होता है जब आप उसे यूटिलाइज या एक्सपेंस करते ट्रीट करते हैं, मतलब कंजम्पशन मतलब जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं। कंजम्पशन निकाली कैसे जाएगी, ध्यान से देखना, इसके दो तरीके हैं। मेरा वाला तरीका देखिए, आप पेमेंट लीजिए जितनी आपने करी उसमें प्लस कीजिए ओपनिंग स्टॉक जो पुराना पड़ा हुआ है, माइनस कर दीजिए उसमें से क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडवांस दे रखा है तो उसका भी ओपनिंग प्लस कीजिए, माइनस कीजिए क्लोजिंग एडवांस।
अगर क्रेडिटर दे रखे हैं तो उसे भी ट्रीट कीजिए, लेकिन उसका ओपनिंग माइनस प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, ये तरीका है कंजम्पशन निकालने का। लेकिन पता है आपको, इसमें लॉजिक कम है लेकिन रट्टा ज्यादा है। एक और लॉजिक वाला तरीका भी है मेरे पास, वो थोड़ा लंबा तरीका है, पहले इससे करो फिर उससे दिखाऊंगा। ये फॉर्मूले वाला है, आसान है। इसमें ना बस एक नोट याद रखना है दो तीन, पहले आप ये लिखो फॉर्मूला फिर बताता हूं नोट। बट ये रट्टाफिकेशन वाला ज्यादा मेथड है, मैं आपको लॉजिक से भी दिखाता हूं। ओपनिंग एडवांस अगर दिया हुआ है, जैसे पिछले साल का एडवांस है वो तो प्लस ही होना है। लेकिन वैसे देखा जाए तो पता है एसेट्स स्टॉक का सिस्टम क्या है, पता स्टॉक हमारा पिछले साल वाला स्टॉक इस्तेमाल इस साल होगा इसलिए प्लस, इस वाला स्टॉक इस्तेमाल अगले साल होगा माइनस। लॉजिक तो है लेकिन रट्टा नहीं लग रहा ऑलमोस्ट। और भी तरीके हैं इसके करने के, दिखाता हूं। पहले फॉर्मूला लिखो, नोट वन, पहले नोट में लिखेगा पेमेंट इंक्लूड बोथ पेमेंट टू क्रेडिटर एंड कैश परचेज। याद रखना जब भी क्वेश्चन में ये जो पेमेंट दे रखी है ना, इसका मतलब क्या पेमेंट कौन सी है, ये जो क्रेडिटर को पैसे दिए वो प्लस कैश परचेज भी है इसके अंदर इंक्लूड। दूसरा नोट, इफ परचेस इज गिवन देन डू नॉट यूज क्रेडिटर एंड एडवांस इन फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेमेंट के बजाय परचेस दे दे तो इस फॉर्मूले के अंदर एडवांस और क्रेडिटर को यूज नहीं करेंगे आप, सिर्फ स्टॉक को यूज करेंगे। देखो दो नोट है इसके अंदर, पहले समझो पेमेंट जो दे रखी है ना, ये इस पेमेंट के अंदर पेमेंट टू क्रेडिटर और कैश परचेज दोनों है। और दूसरा, अगर क्वेश्चन इस पेमेंट की जगह डायरेक्टली परचेज दे दे आपको सीधा परचेज, तो आप फॉर्मूले के अंदर एडवांस और क्रेडिटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस ये दो नोट याद रखिएगा। एक छोटी सी चीज और, पोस्टिंग, छोटी सी चीज और पोस्टिंग, आप मुझे बताना स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। एडवांस क्या है? एडवांस एसेट। ये कौन सा एडवांस है? जो मिला नहीं है, जो एडवांस दिया है एक तरीके से प्रीपेड। और क्रेडिटर बता क्या है हमारे लिए? ये लायबिलिटी। जी जी सिक्स तो होगा ना, जी जी नंबर छ। अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान से करेंगे। ये टालो, अब हटा लो, मेरे साथ आइए। From the following receipt and payment account of RKG Club as on 31st March 2019, prepare income and expenditure. सीट साइड पे लिखेगा टू सब्सक्रिप्शन 2017-18-19। पच्चीस हजार, 6,15,000, 10,000,
50 बाय सैलरी 50 बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन 25,000। बस इसको यही छोड़ दीजिए। इसमें तीनों एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिए, सब्सक्रिप्शन की भी है, खर्चे की भी है, कंजम्पशन की भी आएगी। मतलब इसी क्वेश्चन में हम तीनों एडजस्टमेंट्स करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 29,000, 34,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000, 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड सैलरी 6,000, 9,000, 1,000, 5,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्रेडिटर फॉर मेडिसिन एडवांस फॉर मेडिसिन। इसकी मदद से आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाइए। दो चीजें बनाई, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट।
चलें, आइए पहले एडजस्टमेंट उठाना सीधा। पहले एडजस्टमेंट देखो किसके, सब्सक्रिप्शन की। बताओ काम का आप हो, एक्सपेंडिचर में या इनकम में? बताना बाय सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट बताना। डन। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बताओ, इनकम कौन से साल की, जल्दी बोलो, प्लस या माइनस? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना बताइए? 25,000। बता प्रीवियस ईयर तो बैलेंस शीट कौन सी वाली? नीचे वाली, एसेट साइड पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000 या 29,000? तो बाकी बचा हुआ 4,000 कहाँ जाएगा? ऊपर वाली बैलेंस शीट के दो कॉलम बन जाएंगे, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के आगे 4,000। आपको करंट ईयर का कितना दे रखा है? करंट ईयर का तो नहीं, 34 दे रखा है बाहर का। तो बताओ करंट ईयर का कितना हुआ? 30। लास्ट क्लास में करी थी ये बात हमने। अच्छा अगर फोर्थ ईयर दे रखा होता तो अंदर का होता। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बताइए, इनकम कौन से साल की, प्लस कीजिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 30,000। एडवांस भी तो दे रखे हैं। बताओ पिछले साल का एडवांस इनकम कौन से साल की? इस साल की। ऐड करूंगा एडवांस प्रीवियस ईयर, कितना प्रीवियस ईयर का? 15,000। प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी वाली? और लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000। इस साल का एडवांस, इस साल का एडवांस इनकम बोलो क्या, प्लस या माइनस? एडवांस करंट ईयर कितना? 10। करंट ईयर है तो बैलेंस शीट ऊपर वाली और वो भी लायबिलिटी में, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। आंसर बताना। 6,60,000। ये थी आपकी इनकम ट्रीटमेंट। चले अगले सॉरी अगली एडजस्टमेंट देखो किस चीज की है, सैलरी। ये काम का करो बताओ, इनकम एक्सपेंस में टू सैलरी बता पहले मुझे। आउटस्टैंडिंग दे रखिए ना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बता खर्चा, पिछले साल का माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, कितना पिछले साल का देखो बता। प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी वाली? और एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। वापस ऊपर आइए, इस साल का आउटस्टैंडिंग बताइए, खर्चा कौन से साल का? किस साल का? हाँ मैं भी तो इस साल का बोल रहा हूँ। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना? 9,000। करंट ईयर तो बता बैलेंस शीट कौन सी वाली और लायबिलिटी में। प्रीपेड भी दे रखें क्या? प्रीपेड उठाओ। पिछले साल का प्रीपेड बताइए खर्चा, इस साल का प्रीपेड प्रीवियस ईयर कितना? 1,000। प्रीवियस ईयर तो बैलेंस शीट कौन सी वाली? बट एसेट में। प्रीपेड सैलरी के नाम से 1,000। इस साल का प्रीपेड बताओ, इस साल का प्रीपेड खर्चा, अगले साल का क्या करूं बता? माइनस प्रीपेड करंट ईयर कितना? 5,000। करंट ईयर है तो बता बैलेंस शीट कौन सी वाली और प्रीपेड का जाएगा लायबिलिटी में। आज हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी बोलने की। चले आंसर बताइए। 49,000। चले आइए अगला काम कंजम्पशन का है। कंजम्पशन का काम कहां पर होगा बताओ, इनकम में या एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर में। बताना मुझे टू स्टेशनरी के नाम की पेमेंट कितनी है? कितनी? अच्छा मेडिसिन है, मेडिसिन के नाम की पेमेंट कितनी है बताना?
मेडिसिन की पेमेंट 25,000। इसमें ओपनिंग स्टॉक बताओ क्या करूंगा मैं, ऐड फॉर्मूले के हिसाब से, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग एडवांस क्या करूंगा बताओ मैं, ऐड क्लोजिंग एडवांस माइनस क्रेडिटर का ओपनिंग माइनस और क्रेडिटर का क्लोजिंग प्लस। अब मुझे फिगर बताते जाओ, स्टॉक की बताना यार, ओपनिंग कितना 15 और क्लोजिंग स्टॉक 18, एडवांस का ओपनिंग 8 और क्लोजिंग 10, क्रेडिटर का ओपनिंग 16 और क्लोजिंग 17। आंसर बताओ आप, ये आपकी मेडिसिन की कंजम्पशन। अभी काम खत्म नहीं हुआ, बैलेंस शीट में चलो, बता स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटी, एसेट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऊपर भी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन नीचे भी, बताना ऊपर कौन सा वाला स्टॉक आएगा, क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट है ना, क्लोजिंग कितना था बताओ 18 और नीचे 15, एडवांस का आएगा बताओ, एडवांस एसेट में, एडवांस फॉर मेडिसिन ऊपर, एडवांस फॉर मेडिसिन नीचे, ऊपर आएगा क्लोजिंग वाला 10, नीचे क्रेडिटर बताओ लायबिलिटी में, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ऊपर भी नीचे भी, ऊपर क्लोजिंग वाला 10 और नीचे ओपनिंग वाला 16। ये थी सारी एडजस्टमेंट्स, तीनों एडजस्टमेंट कवर थी इस क्वेश्चन में। चलें, जिनका हो गया वो एडजस्टमेंट नंबर 4 डालो। कंजम्पशन का एक और तरीका है निकालने का, दिखाओ ये डालू पहले बताओ मैडम, लेक्चर में हूँ कॉल करता हूँ, मैडम अब डालू कंजम्पशन निकालने का ना एक और तरीका है क्या, जरा ध्यान से देखिए, आप जरा पेमेंट बताइए मुझे कितने की पेमेंट की थी हमने, बताना पेमेंट कितनी थी 25,000 की, आप जरा मुझे ये देख के बताओ कि जो एडवांस है हमारा, एडवांस उसका ओपनिंग कितना और क्लोजिंग कितना है, यानी कि जरूर हमने 2,000 एडवांस दिया होगा इस साल और बचा हुआ 23,000 किसको पे करा होगा, क्रेडिटर को। आप जानते हैं एडवांस देने की एंट्री होती है एडवांस टू बैंक और क्रेडिटर को पे करने की एंट्री होती है क्रेडिटर टू बैंक, है ना जी, सही बोल रहा हूं, क्या आप मेरे लिए क्रेडिटर का लेजर बना सकते हैं, और एक लेजर एडवांस का भी, क्रेडिटर का ओपनिंग बताइए बायो बैलेंस बीडी,
क्रेडिटर का ओपनिंग, क्रेडिटर का ओपनिंग 16,000 और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस एसेट में है, टू बैलेंस बीडी 8 बताया था आपने है ना, और बाय बैलेंस सीडी 10। ये एंट्रियां दोनों पोस्ट करना, बताओ एडवांस को पेमेंट करिए, एडवांस टू बैंक 2000, ये लेजर मैच, क्रेडिटर को पेमेंट करो, क्रेडिटर टू बैंक कितनी पेमेंट करी 23,000, इस लेजर को बंद कीजिए, बाय परचेज निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर, कितना परचेज किया हमने बताना, 17,000, इतने का परचेज किया। अब लगाएंगे कंजम्पशन का फॉर्मूला, और मैंने आपको फॉर्मूले भी बताया था, डायरेक्ट परचेज दे रखा हो तो सिर्फ उस परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, बताइए परचेज कितनी है हमारी 17, स्टॉक कितना है ओपनिंग 15 और क्लोजिंग स्टॉक 18, आंसर निकालिए 14, और हमारा आंसर आया भी 14 ही होगा, कंजम्पशन देखिए 14,000 आई और यहाँ देखिए लेजर बनाने पड़े, तो मैं तो खाई था और रट्टा वाला है, नहीं मैं तो ये दिखाता मुझे आता है, मतलब पता नहीं है तो रट्टा मार के आ गए, चले इसमें कोई दिक्कत ये नहीं, ये वाला तरीका करना नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती का लंबा तरीका है, एंड डालना एडजस्टमेंट नंबर 4, चौथी और आखिरी एडजस्टमेंट। चले एडजस्टमेंट नंबर 4 का नाम है डोनेशन ट्रीटमेंट या फंड ट्रीटमेंट, डोनेशन फंड एक ही बात है, पहले मैं करता हूं फिर आप कीजिएगा, सामने देखें, आप जानते हैं डोनेशन दो प्रकार की होती है, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन, आप मुझे बताओ जनरल डोनेशन मतलब जो डोनेशन देने वाला है उसने कोई पर्पस स्पेसिफाई नहीं करा, आप इस पैसे को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एनपीओ कंसीडर इट एज इनकम, क्या मानती है इसको इनकम, और स्पेसिफिक डोनेशन के अंदर पर्पस स्पेसिफाई कर दिया जाता है, तो बताओ ये क्या कंसीडर की जाती है, कंसीडर एज लायबिलिटी, ये तो सब जानते हैं, ठीक है, जो अब जानने वाली बात है ध्यान से सुनिए, मान लीजिए किसी एनपीओ को डोनेशन मिली, मैं देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लब था आरकेजी क्लब या आरकेजी वृद्धाश्रम था मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास कोई आदमी आया उसने बोला सर एक काम करो ये लो 5,00,000 और अपने ना वृद्धाश्रम के अंदर एसी लगवाइए 5,00,000 रुपए के एसी, अब दिसंबर का महीने वाला महीना आने वाला था अक्टूबर ओवर, तो मैंने बोला अभी एसी की क्या जरूरत है यार, पता लगे बूढ़े खेलते खेलते बटन दबाए मेरे तो बूढ़ा खर्च हो जाएगा एसी है ना यार बूढ़े समझा करो, मैंने कहा खेलते खेलते को बटन दबा दिया ये मेरा तुम्हारा तो मतलब मेरा तो बूढ़ा चला जाएगा यार, तो मैं अभी नहीं लगवा सकता जून में लगवाऊंगा, उसने बोला ठीक है काम करो पैसा अपने पास रख लो, मैंने उससे बोला एक काम करता हूँ पैसा अपने पास रखने की बजाय एफडी करा देता हूँ इसकी, अगर देखा जाए तो अभी रख रहा हूँ मैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये पैसा मैं 10 महीने बाद इस्तेमाल करूंगा, तो बताओ 10 महीने के लिए इसकी एफडी करा देता हूँ, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, इस एफडी से मुझे एंड में ब्याज मिला, ध्यान से सुनना 5,00,000 के ऊपर मुझे 10% ब्याज मिला और 50,000, बताओ एंड में पैसे कितने मिले 5,00,000 या 5,50,000, अब बताओ जो एक्स्ट्रा 50,000 मिले क्या उसका भी एसी लगवाना है या उसका कुछ भी कर सकता हूँ, सवाल समझ में आया, जो आपने स्पेसिफिक डोनेशन को इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से कमाया क्या उस कमाई को जनरल मानेंगे या वो भी स्पेसिफिक है, सोच लो टोनी डोनर ने, नहीं वो कुछ नहीं बताएगा, ये तो हमारी मर्जी होती है, हम बस परमिशन ले सकते हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें, इन्वेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो हमारा ही है, बट उसे हम क्या माने जनरल या स्पेसिफिक, क्या उससे भी एसी लगाऊं या उसका कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, बताइए बताइए,
अच्छा बताओ शर्मा जी क्या बेटा हुआ, उनका बेटा शर्मा ही होगा ना, गुप्ता तो नहीं हो सकता? हो सकता कैसे हो सकता है जी? शर्मा जी क्या गुप्ता का लड़का कैसे पैसा हो सकता है? और अगर हो रहा है तो पड़ोस में गुप्ता पे शक करो। शर्मा का गुप्ता के साथ टाका बेटा 377 तो बच्चा कैसे होगा यार? बदल गए यार सीरियस। अब बेटी मैं बैठा मेरी अगर शर्मा क्या बच्चा पैदा हुआ तो शर्मा को ही तो होगा, गुप्ता को थोड़ी हो सकता है। अगर स्पेसिफिक डोनेशन को इन्वेस्ट किया और कोई कमाई करी तो वो भी स्पेसिफिक ही मानी जाएगी। मतलब उस 50,000 से आप कुछ भी कर सकते हैं, उससे भी एसी लगाने पड़ेंगे, उससे भी एसी लगाने पड़ेंगे। ये लॉजिक है इसका, चले लिखना इसके बाद लॉजिक क्या है सर। इसका बेसिक तो एक ही फंडा है सर, एएस पता कहाँ लिखा हुआ है? ये बात लिखी हुई है एएस नंबर 12 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12, उसमें लिखी हुई। नहीं वहां शर्मा गुप्ता ने लिखा हुआ, वहां ये बात लिखी हुई है कि स्पेसिफिक डोनेशन से होने वाली अर्निंग उसी में प्लस होती है। देखिए एनी इनकम फ्रॉम सच डोनेशन, डोनेशन से इनकम कैसे होगी समझे ना, इसे इन्वेस्ट कर दिया तो एनी इनकम फ्रॉम सच डोनेशन विल बी। अच्छा बताओ इनकम को क्या करूंगा, इनकम में ले जाऊं या इसी में प्लस? बोलो इसी में प्लस, लायबिलिटी मानेंगे उसको भी। विल बी एडेड टू डोनेशन एंड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड। बात समझे? मतलब अगर इस डोनेशन से कोई इनकम हुई तो उसी डोनेशन में प्लस, और अगर कोई खर्चा हुआ तो डोनेशन में से माइनस। चले जी जी नंबर बताना, जी जी नंबर बताना। अरे डोनेशन है, एसी लगाएगा खर्चा नहीं होगा। अबे एसी लगाना भी तो खर्चा है, तो इंस्टॉलेशन तक याद रखना, एसी नहीं लगेंगे पहले फिर, और कोई चला के बुड्ढा निकल लिया तो फिर उसके लिए वो सामान वामान। सर बुड्ढा निकल लिया एसी चलाने से तो एसी के खर्चे वो क्रीमेशन चार्जेस में जोड़ दे। पता नहीं सर, अच्छा मैंने लिखा सॉरी, हाँ एनी इनकम फ्रॉम सच सच छुट्टी ना करनी होती ना मैं आज नहीं सैटरडे छुट्टी करनी है मुझे, इसलिए मैं आ जाऊंगा। चार के अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। डालना फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। Receipt and payment account.
जलने टाइप की, तो बंद कर दो उसको और ध्यान से करियो, पता लगे हमारा ये खर्च हो जाए। यार कल तो आया था वो ठीक कर, हाँ कल तो आया था वो ठीक करने लगे इसको। चलो कोई नहीं, चले रिसीट साइड पे लिखना टू सब्सक्रिप्शन 17-18, 18-19, 19-20। ₹15,000, ₹4,05,000, ₹10,000, ₹30,000, ₹40,000 by salaries, 45,000 by stationery, 18,000 two में donation for match fund 40,000 sale of मैच टिकट्स 30,000 बाय में मैच एक्सपेंस 1,10,000 फर्नीचर 1 अक्टूबर 18,50,000 टू सेल ऑफ मशीन 6,000 बुक वैल्यू ₹20,000 बस। मशीन मैडम बुक वैल्यू 20,000 हाँ बेची 25,000 में जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, 20 वाली 25 में बेची इन शॉर्ट। चलो एडिशनल इन्फो outstanding subscription advance subscription outstanding salary repaid salary stock of stationery creditor for stationery match fund furniture or machine outstanding subscription 18,000, 23,000 advance subscription 6,000, 10,000 outstanding salary 5,000, 9,000 prepaid 4,000, 1,000 stock of stationery 7,000, 5,000 creditor 4,000, 3,000 match fund 20,000 और question mark furniture 1,00,000 और question mark और ये 2,00,000 और कुछ। आपने इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा
इसके नीचे एक लाइन लिखिए, देखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, मशीन 20%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, मशीन 20%। अब ये एक क्वेश्चन के अंदर मैंने सारी एडजस्टमेंट डाल दी, सारी इनकम ट्रीटमेंट भी, एक्सपेंस भी, कंजम्पशन भी, डोनेशन भी, और ये मशीन वाली भी। चले बनाइए मेरे साथ इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर बड़ा बनाना इस बार, और बैलेंस शीट भी थोड़ी बड़ी बड़ी, सारी एडजस्टमेंट्स हैं इसमें। तैयार कीजिए फटाफट, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। चले चले पहली एडजस्टमेंट होता फटाफट इसके, सब्सक्रिप्शन इनकम वाली साइड में शुरू करिए, बाय सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट बताइए 30,000। चलिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, मैडम जल्दी बताओ, अब तो कितनी बार कर लिया, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम, पिछले साल की माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है हमारा 15,000, है ना जी। प्रीवियस ईयर तो बताओ बैलेंस शीट कौन सी, नीचे वाली, ये रही नीचे वाली। और एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 15 या 18, तो बाकी 3,000 कहाँ जाएगा। ऊपर वाली बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के आगे, है ना जी। करंट ईयर का कितना दे रखा है, बाहर का 23 है, तो करंट ईयर का कितना होगा बताइए 20। अब तो समझ में आ गया होगा पॉइंट, चले सर करंट ईयर का बताइए, करंट ईयर का इनकम कौन से साल की, इस साल की, क्या करूं बताइए, ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना बताना 20। चलो एडवांस की चर्चा करते हैं, बताओ पिछले साल का एडवांस इनकम इस साल की, एडवांस प्रीवियस ईयर कितना मैम 6,000, और इस साल का एडवांस इनकम अगले साल की 10 माइनस, आंसर बताओ जरा 4,31,000, है ना जी। बैलेंस शीट में चलो, एडवांस बताना कहाँ है, एसेट या लायबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऊपर भी, एडवांस सब्सक्रिप्शन नीचे भी, ऊपर करंट वाला 10,000 और नीचे प्रीवियस वाला हटाओ। चल अगली एडजस्टमेंट था किसकी, सैलरी, कहाँ करूँ इनकम एक्सपेंस, एक्सपेंस में बताइए 2 सैलरी कितनी 45,000। चलो आउटस्टैंडिंग बताइए, पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग खर्चा
माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना कसी वर्ष पांच. इस साल का आउटस्टैंडिंग बताइए खर्चा कितना बताओ ना 9000. प्रीपेड बताइए पिछले साल का प्रीपेड खर्चा इस साल का प्रीपेड प्रीवियस ईयर 4000 और इस साल का प्रीपेड बताइए खर्चा 1000 है ना जी. आंसर बताओ. थैंक यू. 52000. चले बैलेंस शीटों में भी जाना है. अभी हटाऊं क्या बैलेंस शीटों में. बता आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ आएगी. एसेट या लायबिलिटी. ऊपर भी और नीचे. ऊपर बताना करंट वाली 9000 नीचे 5 प्रीपेड एसेट में. ऊपर भी नीचे भी. ऊपर करंट वाली 1000 नीचे 4000. चले अगला काम कंजम्पशन का. कंजम्पशन का काम कहां करूं बताओ. इनकम में एक्सपेंस में किस चीज की है. मेडिसिन स्टेशनरी टू स्टेशनरी बताइयो कितनी पेमेंट है. 18000. फॉर्मूला याद करो. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस. ओ एडवांस है नहीं है. एडवांस नहीं है. क्रेडिटर है सीधा. क्रेडिटर का ओपनिंग माइनस और क्लोजिंग प्लस. फिगर बता जल्दी फटाफट. ओपनिंग स्टॉक बता 7000 और क्लोजिंग स्टॉक 5. क्रेडिटर का ओपनिंग 4 और क्लोजिंग 3000. बाहर आंसर 19000 है ना. चलो आगे बताओगे. अब ये हटा लो पहले मैडम. बैलेंस शीटों में आओ. बताओ स्टॉक कहाँ जाएगा. एसेट में. ऊपर भी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नीचे भी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ऊपर बताना क्लोजिंग स्टॉक 5 नीचे ओपनिंग 7. क्रेडिटर लायबिलिटी में. क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी. क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऊपर 3 और नीचे 4. चले चले. अब देखना ध्यान से. एडजस्टमेंट पढ़ो. मैच फंड पिछले साल मैच फंड कितने का था बताइए. 20000. इधर देखिए सामने. मैं नीचे वाली बैलेंस शीट में लिखूंगा मैच फंड और 20000 सीधा बाहर क्योंकि पुराना है. ठीक है. अब देखना इसी मैच फंड को मैं उठाऊंगा और ऊपर वाली बैलेंस शीट में ले जाऊंगा. मैच फंड और अंदर लिख दूंगा 20000 अंदर क्योंकि ये पुराना है. रिसीट साइड में देखना कोई और डोनेशन मिली है क्या. मैच फंड की मिली है शायद है ना. 40 की और डोनेशन प्लस फर्दर डोनेशन. कितने की डोनेशन मिली 40. कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है हमारे पास 60. कोई इनकम वगैरह हुई है क्या. देखना है इनकम. एट इनकम टिकटे बेच के पैसा आया कितना 30. कितना पैसा इकट्ठा हो गया जरा देखना. ये 90000. कोई देख पेमेंट में खर्चा है क्या मैच का. है मैच एक्सपेंस है ना. अब पता 1,10,000 में तो इसमें से माइनस नहीं हो सकते. अगर मैं 1,10,000 माइनस करूंगा तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा लेकिन 90 तो माइनस हो सकते हैं. अब बता बाहर क्या आएगा. निल. लेकिन बता खर्चा 90 था या 1,10,000 था. तो बचा हुआ खर्चा कहां जाएगा फिर. वो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में. नाम आएगा टू मैच एक्सपेंस ओवर फंड 20000. ये वो खर्चा है जो फंड से भी ज्यादा का हुआ.
नहीं कर सकते सर, रूल है ना सर, एस 12 भी तो पढ़ा था हमने वो रूल कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन से इनकम हुई तो उसी में प्लस, खर्चा हुआ तो उसी में से माइनस। हम नहीं कर सकते सर, हमारे हाथ बंधे हुए, रियली सॉरी सर। चले आइए अगली एडजस्टमेंट पढ़ियो, क्या है? फर्नीचर। चलो पिछली बैलेंस शीट में आओ, फर्नीचर नीचे वाली में कितना था फर्नीचर, सीधा बाहर है ना। अब यही फर्नीचर ऊपर ले जाओ, फर्नीचर बट अंदर लिखना 1,00,000। रिसीट साइड देखना, फर्नीचर बेचा है क्या, कहां बेचा है मैडम। पेमेंट साइड देखो, फर्नीचर खरीदा है क्या, हाँ एड कर परचेज, कितना खरीदा 50। अब लगा माइनस डेप, 10% है ना, पता आपको 1,00,000 का 10% 10,000 और ये 50,000 का 10% 5,000, लेकिन 6 महीने का अक्टूबर में आया था 2,500, कितनी हो गई 12,500। बाहर आंसर होता 137,500। इसी डेप्रिसिएशन को उठाऊंगा मैं और एक्सपेंडिचर में दिखा दूंगा, टू डेप ऑन फर्नीचर कितनी थी 12,500 ना। अगली एडजस्टमेंट पर मशीन, कितने की मशीन थी साल के शुरू में, तो नीचे वाली बैलेंस शीट में मशीन सीधा बाहर 2,00,000। चले अब यही मशीन उठाऊंगा, ऊपर वाली बैलेंस शीट में अंदर लिख दूंगा 2,00,000। अब पढ़ो रिसीट साइड में, बेची तो नहीं है, बेची थी 20 वाली 25 में बेची थी है ना, माइनस सेल, बताओ कितनी हटाऊं, 25 या 20? 20। कितने की बची आप, 180, इस पे डेप लगा दो, माइनस डेप कितने परसेंट, 20 18,36,000 36,000 वो इनकम मैं दिखाऊंगा अभी, इसका पहले आंसर बताओ। बताइए यही डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर में जाओ दिखाइए, टू डेप ऑन मशीन कितनी डेप 36,000 ना, और जो प्रॉफिट हुआ था 20 को 5 में 25 में बेचा था, 5 का प्रॉफिट इनकम में आ जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, 5,000 का प्रॉफिट। यहां जाके सारी एडजस्टमेंट समाप्त होती है सारी। जी सर, मशीन हाँ फर्नीचर, मशीन तो कोई डेट ही नहीं दी मैंने, कब बेची, आवश्यकता समझ में आओगा। एनपीओ के अंदर बस यही एडजस्टमेंट होती है, खत्म एनपीओ, क्वेश्चंस रह गए करने, लेकिन वैसे एनपीओ समाप्त। हम मिलेंगे अगली कक्षा में, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, सतर्क ना रहें।